तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग समोसा कड़ी चटनी के साथ खा के। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोसिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टे लिया और यहाँ पे बढ़िया समोसा कड़ी चटनी के साथ खाया और यहाँ पे चाय ऑर्डर करी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं कुंभलगढ़ के लिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुंभलगढ़ का प्लान कर रहे हो तो हल्दीघाटी वाले रूट से मत जाना, क्योंकि रास्ता चौड़ा कर रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस पूरा 3 घंटे लग जाएंगे आपको कुंभलगढ़ पहुँचते पहुँचते। तो गाइस इलेक्शन का टाइम है, पुलिस वालों ने गाड़ी चेकिंग करी, कुछ मिला नहीं क्योंकि हम लोग को लेके गए नहीं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए कुंभलगढ़ राधे राधे रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने सबसे पहले खाना खाया गया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, हैवी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए द कुंभा बाग। ये प्रॉपर्टी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कितनी शानदार प्रॉपर्टी है ये। तो गाइस इसका रास्ता बहुत ही शानदार, जैसे एंटर हो तो उसके बाद घाटी चढ़ना है। घाटी पे ये पूरा प्रॉपर्टी पहाड़ काट के बनाई होगी एक टाइम पे, है ना। तो प्रॉपर्टी बहुत शानदार है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। तो रिसेप्शन पे मेरे भैया करने लगे चेक इन का प्रोसेस और हम लोगों ने कहा चलो अपन एक बार प्रॉपर्टी देखते हैं आगे तक। तो गाइस सीढ़ियाँ देख रहा हो, ऊपर रास्ता जा रहा है, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। फिर मैंने कहा चलो अब अपन क्या करें थोड़ी देर, जब तक अपन लॉबी में वेट करते हैं। यहाँ पे मेरे भतीजे के साथ थोड़ी देर मस्तियाँ कर रहा था और मेरे घर वाले सब बहुत थक चुके थे, पापा मम्मी सब लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि रूम में थोड़ा टाइम लग रहा था गाइस, है ना। तो गाइस लॉबी में जो एक शानदार सा झूमर था ये मैंने कहा इसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद हमने कहा चलो वेलकम ड्रिंक पीते हैं, देखते हैं ये कैसी हो। इसका टेस्ट भी काफ़ी सही था गाइस। वेलकम ड्रिंक तो आप जानते ही हो नॉर्मल होता है, तो ठीक है अपन ने ये पी। उसके बाद मैंने भतीजे से भी बोला इसको भी ट्राई करेगी थोड़ी सी। तो गाइस मैं आपको अब अंदर से पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, रूम्स वगैरह कैसे हैं। तो हम लोग फाइनली निकल गए रूम की तरफ। आप देख सकते हो इतना बड़ा गार्डन था स्टार्टिंग में और सामने की तरफ रेस्टोरेंट था। तो गाइस हमारा हमने जो रूम बुक किया था वो था सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे लिफ्ट नहीं गाइस। और हम लोग पहले अब यहाँ पे आए चेक इन करने, तो मैं आपको पूरा ऊपर से व्यू दिखाऊंगा। एक नंबर व्यू है गाइस, पूरा जंगल का व्यू है, जंगल के बीचों बीच है प्रॉपर्टी। और ये आ गए हम हमारे रूम में। तो गाइस सबसे पहले एंटर होते ही ये देख रहे हो आप कितने बढ़िया पर्दे वर्दे लगा रहे, कितने शानदार रूम है। तो गाइस रूम देख सकते हो आप लोग और रूम से व्यू कैसा आता है अपन ये देखते हैं। ओ मैन एक नंबर व्यू है गाइस। तो गाइस आप व्यू देख रहे हो कितना शानदार व्यू आने वाला है गाइस। अगर आप भी यहाँ पे जाओ तो टॉप वाला रूम में बुक करना, मजा आ जाएगा। तो गाइस ये वॉशरूम बिल्कुल क्लीन, सब पड़ा हुआ है पे ब्रश व्रश। तो गाइस मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ तो सबसे पहले चेक करता हूँ ये गीजर है या नहीं, क्योंकि गर्म पानी से नहाने की आदत हो चुकी है। तो गाइस रूम तो एक नंबर है यार, आप देख सकते हो पीछे इतना शानदार व्यू है। तो गाइस मेरे से तो रहा नहीं गया और मैं फाइनली बेड में पड़ ही गया। तो गाइस ये है पूरी प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो एक नंबर व्यू आ गया यहाँ से। और नीचे की साइड है पूल, हम जाएंगे दर्शन करने। सामने गाइस फोर्ट है, किला कुंभलगढ़ का, देखो आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है वो फोर्ट व्यू आता है यहाँ से, इसलिए रूम थोड़ा एक्सपेंसिव है गाइस। तो गाइस जिसको सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो उसके लिए पूल के यहाँ पे भी रूम है। तो मेरे पापा मम्मी के लिए हमने यहीं पे रूम बुक कराया था, यहाँ से भी बढ़िया है, यहाँ पे भी शांति वाला माहौल है पूरा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, अब जाएंगे पूल में, थक चुका हूँ बहुत, अब चेंज वेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि पूल कैसा आया है ना। तो यार हम परशुराम महादेव जी के दर्शन करके आए तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे और पानी ऑलरेडी बहुत ठंडा था गाइस, हालत टाइट हो गई। तो बहुत ज़्यादा देर स्विमिंग नहीं कर पाए लेकिन पानी बहुत ठंडा था, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस सामने देख रहे हो आप पानी का ये चालू कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही यार इसकी। और लाइटिंग वाइटिंग हो गई, अब रात में प्रॉपर्टी और अच्छी लग रही है। तो गाइस पानी बहुत ठंडा था तो मुश्किल से आधे घंटे स्विमिंग करी होगी मैंने। अब मैं जा रहा हूँ रूम में चेंज करने क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं आया यार, गलती हो गई। अब फिर से मुझे सेकंड फ्लोर पे पैदल चल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। सबसे बेकार चीज़ें मुझे ये लगी इस प्रॉपर्टी की कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है। अगर आप कुछ भूल जाते हो या फिर टॉप पर रूम लेते हो तो पैदल चल चल के थक जाओगे यार, इस बात का ज़रूर याद रखना, ऊपर वाले रूम मत लेना। प्रॉपर्टी नो डाउट एक नंबर है लेकिन चल चल के थक जाओगे।
तो गाइस मेरे फ़ोन का नाइट कैमरा अच्छा नहीं, लेकिन आप पीछे देख रहे हो लाइटिंग, और पीछे आवाज़ आ रही है ना जो, ये वाटरफॉल की आवाज़ है। दिखेगा नहीं यार लाइट के पीछे पानी। तो गाइस जो नाइट में यहाँ पे लाइट लगा रखी पूल में, कितनी शानदार लग रही है गाइस। और इसके सामने जो बॉक्स बना रखे हैं, जितने भी ये सारे खंड है, इन सब में लालटेन जला रखी थी, तो बहुत शानदार लग रहा था गाइस। पूरी हवेली में लाइटिंग कर रखी थी, शानदार फील आ रहा था गाइस। इसे कोई हॉरर फील नहीं आ रहा, पुरानी पिक्चरों जैसे, वीराना जैसे, लेकिन हवेली बहुत शानदार थी गाइस। तो गाइस इस प्रॉपर्टी में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा, है ना गाइस। सी यू सून।